स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाइन्थ चैप्टर ऑफ सोशल साइंस. चैप्टर नेम इज़ अर्बन लिवलीहुड, इट मीन्स शहरी लोगों की आजीविका से रिलेटेड इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. देयर आर देन 5,000 टाउन एंड 27 बिग सिटीज इन इंडिया. हमारे इंडिया में कितनी 5,000 से भी ज़्यादा क्या हैं, टाउन्स हैं एंड 27 बिग सिटी और 27 क्या हैं, महानगर हैं, जैसे कि चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एक्सेट्रा. हैव मोर देन मिलियन पीपल लिविंग इन वर्किंग हेयर. और प्रत्येक महानगर में 10 लाख से ज़्यादा आबादी है. और कहते हैं कि शहर की आजीविका कभी रुकती नहीं है. ओके, दे सेड दैट द सिटी नेवर स्लीप. Let's visit and find out the work people do in the city. Are they employed by someone? Are they self-employed? How do they again themselves and you and do they have similar employee and earning opportunities? मतलब कि शहर में बहुत सारे काम करने के मौके होते हैं, अपॉर्चुनिटी होती है, जैसे कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं. Working on the street. ठीक है, स्ट्रीट मतलब सड़क पे जो लोग काम करते हुए दिखाई देते हैं उनसे रिलेटेड आपको ये पिक्चर में दिख रहा होगा. ठीक है, यहाँ पे स्वीपर क्या कर रहा है, स्वीपिंग कर रहा है, सफाई कर रहा है. ठीक है, झाड़ू लगा रहा है. यहाँ पे बार्बर क्या कर रहा है, ये आपको बार्बर दिख रहा है. यहाँ पे वो क्या कर रहा है, बार्बर कटिंग कर रहा है ना, स्वीपर झाड़ू लगा रहा है. और भी एक ये क्या है, एक कोई फूल बेचने वाली है जो फूल बेच रही है. राइट, इस तरह से मैंने मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको डायग्राम में ये चीज़ दिख रही है. ऑटो रिक्शा वाला है जो ऑटो रिक्शा भी चला रहा है. आप स्ट्रीट पे ये सारे चीज़ें देख सकते हैं. दिस इज़ द सिटी वेयर कज़िन लिव. यहाँ पे मेरी एक मौसेरी बहन रहती है. आई हैव बीन हियर ओनली अ फ्यू टाइम्स. इट इज़ अ वेरी बिग वंस व्हेन आई कम हियर. मैं पहले एक बार आया यहाँ आया यहाँ पे. माई कज़िन टुक मी अराउंड. मैंने क्या देखा यहाँ पे, बी लेफ्ट द हाउस अर्ली इन द मॉर्निंग एज बी टर्न द कॉर्नर इन टू द मेन स्ट्रीट. वी शो दैट वॉज ऑलरेडी वजिंग विथ एक्टिविटीज. मैंने चारों तरफ बहुत सारी एक्टिविटी देखी. द वेजिटेबल्स वंडर वॉज बजी अरेंजिंग टोमेटोज, कैरोट एंड कुकुम्बर एंड बास्केट एट हर स्टॉल सो दैट पीपल कुड सी वॉट सी हैड टू सेल. मतलब एक क्या था, सब्जी बेचने वाला था, उसके पास क्या क्या उसने चीज़ें जमा के रखी थी. यहाँ पे टोमेटो भी जमा के रखी थी, टोमेटो है ना, और गाजर भी जमा के रखी थी, और कुकुम्बर यानी ककड़ी भी बास्केट में जो उसने जमा के रखी थी है ना, बढ़िया से दुकान उसने लगाई हुई थी. सी हैड सेल और वो क्या कर रहा था, बेच रहा था. नेक्स्ट टू हर सेल वाज अ लवली केयरफुली ऑन द सोल्ड काइंड ऑफ फ्लावर. अब यहाँ पे क्या देखी हमने, फूल बेचने वाली को देखा और वो फूल बेचने वाली क्या कर रही थी, फूल बहुत सुंदर सुंदर कलरफुल फूल रखे हुए थी. वी वॉट अ रेड एंड येलो रोज. हमने क्या किया, येलो और रेड रोज को खरीदा, परचेज किया. ऑन द पेमेंट अपोजिट बी सो अ पर्सन सेलिंग न्यूज़पेपर विथ अ स्मॉल क्राउड ऑफ पीपल अराउंड हिम. और उसके उधर पीछे क्या था, एक पेपर वाला था जो पेपर बेच रहा था. वैसे पेपर पढ़ने का शौक सभी को होता है ना. एवरी वन वॉन्टेड टू रीड द न्यूज़ पेपर. बसेज वॉज फास्ट देयर वे. ऑटो रिक्शा फील्ड इन स्कूल चिंडर नियर बाय अंडर अट्री. और यहाँ पे एक ऑटो रिक्शा वाले भी गुजर रहे थे जिसमें बहुत सारी ठसाठस क्या भरी हुई थी, सवारियाँ भरी हुई थी एकदम बहुत ज़्यादा है ना. और क्या था, ये सारा जो सिचुएशन थी, नज़ारा था, वो किसका था, स्ट्रीट यानी सड़क पे ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं अक्सर. आप कहीं भी से बहुत बड़े महानगर उसमें देखेंगे तो इस तरह से सिचुएशन मिलती है. ठीक है, फिर बसेज वगैरह पास्ट देयर व इन टू ऑटो रिक्शास फील्ड द स्कूल चिल्ड्रन नियर बाय अंडर अ ट्री. और कॉबलर सैट टेकिंग हेयर टूल्स एंड मटेरियल ऑफ स्मॉल इन द टिन बॉक्स. नेक्स्ट टू हिम रोड साइड बार्बर हेड
बग इन हिज वर्क, ही ऑलरेडी हैड अ कस्टमर हु वांटेड अर्ली मॉर्निंग सेव। मतलब कि इस डायग्राम में जो दिखा हुआ है साइड में क्या है, एक बार्बर है जो नाई है वो क्या कर रहा है, बाल को कटिंग कर रहा है। इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस चैप्टर को आपको केयरफुली पढ़ना भी है, रीड करना है, और इस वीडियो को भी आप कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। अ लिटिल वे डाउन ऑफ रीड, वुमन वॉज पुशिंग अलोंग अ कार्ट विथ ऑल काइंड्स ऑफ प्लास्टिक बॉटल बॉक्सेस हेयर पिंस क्लिप इट एक्सेट्रा इन इट, वाइल अनदर पर्सन ऑन अ साइकिल ट्रॉली वाज केयरिंग वेजिटेबल्स सेलर पीपल इन देयर हाउसेस। मतलब कि वहाँ पे क्या देखा उन्होंने, एक वुमन को देखा जो क्या कर रही थी, प्लास्टिक की बॉटल बॉक्सेस या हेयर पिंस क्लिप आदि लेके जा रही थी, है ना। और दूसरा पर्सन क्या कर रहा था, या अनदर पर्सन और साइकिल ट्रॉली पे क्या लेके जा रहा था, वेजिटेबल सेल करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये सिचुएशन किस में होती है, किसी भी आप अर्बन एरिया में जाते